Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज की जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ ये एक डिफरेंट टॉपिक पर है. ये रीडिंग मैं नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए करने जा रही हूँ. इस रीडिंग में हम ये चीज़ चेक करेंगे कि जो आपके पार्टनर हैं वो आपको नेक्स्ट 48 आवर्स में कॉन्टैक्ट करेंगे, मैसेज करेंगे या वो आपसे बात करना चाहते हैं. तो ये नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए रीडिंग होगी. ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग है, तो जब से आप इस रीडिंग को देखेंगे ये तब से रीडिंग वैलिड होगी. सो लेट्स चेक कि आपके पार्टनर की प्रेजेंट फीलिंग्स क्या हैं, करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके पार्टनर की, आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं. करंट फीलिंग्स, व्हाट आर देयर करंट फीलिंग्स. ओके, सो मैं कार्ड्स निकालती हूँ. What are their current feelings for you? वो currently आपके बारे में क्या सोच रहे हैं. Okay. Wow. आपके partner तो आपके लिए कुछ action लेना चाहते हैं और एक्शन एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लेना चाहते हैं. वो आपके लिए बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, इन द सेंस वो ये चीज़ें सोच रहे हैं आपका और उनका घर, आपकी और उनकी लाइफ एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे तरह स्पेंड हो. वो ऐसी फीलिंग्स वो करंटली आपके बारे में ये चीज़ सोच रहे हैं. वो ये चाहते हैं कि वो आपके साथ अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं, वो आपके साथ एक खुशहाल ज़िंदगी जीना चाहते हैं. ये 11-11 कार्ड है, डिवाइन ब्लेसिंग का कार्ड है. ब्यूटीफुल. और वो इस रिश्ते में अपना सब कुछ लगा रहे हैं. इस रिश्ते में अपने इमोशंस, अपने फाइनेंसेस, अपनी पावर, हर एक चीज़ उन्होंने इस रिश्ते की तरफ को कंट्रीब्यूट की है. और वो आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि वो आपकी ज़िंदगी में एक मैजिशियन बनकर रहें, वो आपकी ज़िंदगी में एक जादूगर बनकर रहें कि आपके हर एक ड्रीम्स को वो पूरा कर सके. ऐसी फीलिंग्स हैं उनकी, करंट फीलिंग्स ये फीलिंग्स हैं उनकी. ब्यूटिफुल. और वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल है. 90% वो आपको लेकर इमोशनल हैं और आप उनके इमोशंस को पूरी तरह से फुलफिल कर रहे हैं, इस वजह से वो आपको लेकर इमोशनल हैं. और जिन लोगों का ब्रेकअप हुआ है उनके लिए ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, आपके पार्टनर आपके साथ कमिटमेंट में आने के बारे में सोच रहे हैं. ये उनकी करंट फीलिंग्स हैं, करंटली वो ऐसा सोचते हैं आपके बारे में. वो आपके आपको किसी एक हद तक मिस भी कर रहे हैं जिन लोगों का ब्रेकअप है. और जो लोग कमिटमेंट में हैं आपके पार्टनर्स आपको लेकर बहुत श्योर हैं कि आप लोग एक अच्छी ज़िंदगी एक साथ बिता सकेंगे. ये आपकी प्रेजेंट एनर्जीज हैं और बिता रहे होंगे. जो जिन लोगों ने कमिटमेंट दी है वो बिता रहे होंगे. और ये आपके जो पार्टनर हैं, आपके पार्टनर आपको लेकर इतना पॉजिटिव हैं कि मुझे तीनों कार्ड्स में अब ध्यान आया कि ये देखिए तीनों येलो कार्ड्स हैं. ब्यूटीफुल. इतनी पॉजिटिविटी है, इतना पॉजिटिव सोचते हैं आपके पार्टनर आपके बारे में. करंटली वो आपके बारे में बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं. और जो बॉटम ऑफ द डेक है स्ट्रेंथ का कार्ड है, ये भी बहुत पॉजिटिव कार्ड है. देखिए और यहाँ पर भी वो अपना दिल से, दिमाग से, अपने फाइनेंसेस को लेकर जिस तरह से वो आपके लिए कुछ कर पाए, वो ऐसा एक्शन लेने के लिए तैयार हैं. वो ऐसा कुछ भी आपके लिए करने के लिए तैयार हैं जिससे कि आपका और उनका रिलेशनशिप अच्छा हो जाए या अच्छा ही चले. ब्यूटीफुल रीडिंग. ओके, तो अब हम चेक करते हैं कि आपके पार्टनर नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या करने वाले हैं, उनकी 48 आवर्स की फीलिंग्स क्या करना चाहते हैं. वो आपसे बात करना चाहते हैं, वो आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं या वो आपके लिए कुछ करना चाहते हैं. वो उस चीज़ को चेक करते हैं.
उस चीज़ को चेक करते हैं, वो आपके लिए क्या करना चाहते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में, वो क्या फील करते हैं आपके लिए नेक्स्ट 48 आवर्स में, क्या चीज़ करना चाहते हैं। ओके ओके, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल थिंग। देखिए नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पार्टनर आपकी तरफ को बढ़ेंगे, वो बाय कॉल हो सकता है, बाय मैसेज हो सकता है, या किसी कॉमन फ्रेंड के थ्रू हो सकता है, लेकिन वो बहुत पॉजिटिविटी से आपकी तरफ को बढ़ेंगे। वो अपनी इमोशंस को, वो अपनी फीलिंग्स को आपकी तरफ को डायरेक्ट कर रहे हैं और अपने लव्ड वंस को मना के, सपोज़ जिनकी मैरिज नहीं हो पा रही है क्योंकि फैमिली नहीं मान रही है, तो अब आपके पार्टनर उन अपने फैमिली मेम्बर्स को मना कर आपकी तरफ को बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट 48 आवर्स में वो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, ओके, एंड वो आपकी ज़िंदगी खुशियों से भरना चाहते हैं। नेक्स्ट 48 आवर्स में वो इस फीलिंग को और ज़्यादा पूरा करने की कोशिश करेंगे। मैंने कहा वो आपसे कॉल या मैसेज या किसी कॉमन फ्रेंड के थ्रू आपको कांटेक्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे। आपके बारे में वो ये चीज़ सोच रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं, आप बहुत ज़्यादा हैंडसम हैं, ऐसा भी आपके पार्टनर आपके बारे में सोच रहे हैं। वो आपकी ब्यूटी को एम्ब्रेस कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इस काम को लेकर कि आपकी तरफ बढ़ना है, वो इस काम को लेकर फोकस्ड है, वो डेफिनेटली फोकस्ड है। लव इज इन द एयर डेफिनेटली। ये कार्ड रिवर्स में आया है। इस कार्ड का रिवर्स में होने का मतलब ये है कि आपके पार्टनर शायद किसी पेरेंट्स या अपनी फैमिली के इन्फ्लुएंस में आकर कहीं ना कहीं आपसे दूर हो गए। अगर आप दोनों साथ में भी रहते हैं तो आई थिंक वो अपनी फैमिली की वजह से आपसे थोड़ी सी दूर हो गए, दूरियाँ आ गई आपके बीच में, तो अब ये चीज़ रिवर्स में होने वाली है। नेक्स्ट 48 आवर्स में ये चीज़ रिवर्स में होने वाली है। ये पार्टनर आपसे आप अपने अंदर की सारी फीलिंग्स शेयर करना चाहते हैं और वो बहुत प्यार से आपकी तरफ को बढ़ रहे हैं। आप दोनों के अंदर जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, मिसकम्युनिकेशन थी या मिसइंटरप्रिटेशन थी, या आपके पार्टनर ने आपकी फीलिंग्स को नहीं समझा या आप उन्हें नहीं समझ पाए, वॉट एवर वॉज द कंडीशन, अब वो इस बात को आपके साथ बैठ के डिस्कस करना चाहते हैं और वो डेफिनेटली आपसे इस बारे में बैठ के डिस्कशन ज़रूर करेंगे। और जब वो ये चीज़ आपके साथ डिस्कस करेंगे, आपके रिश्ते की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, मीन्स जो दूरियाँ थी वो नज़दीकियों में बदल जाएंगी। और सी द ब्यूटीफुल कार्ड, द सन कार्ड, आप दोनों एक हेल्दी रिलेशनशिप में आ जाएंगे और जो लोग एक साथ रहते हैं, जो कमिटेड हैं, आपका रिलेशनशिप और अच्छा हो जाएगा। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स, जो कुछ भी चल रहा है, वो अब ये नेक्स्ट 48 आवर्स में आपस में डिस्कशन के बाद वो ख़त्म हो जाएगा। और जो भी आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, जो भी किसी थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट की वजह से आपके रिश्ते में कोई दरार आई है, वो दरार भर जाएगी। और 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। 7 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर ये इंडिकेट कर रहा है कि अब आप दोनों की ज़िंदगी में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, आपको स्पेशली आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि जिस रास्ते पर अब आप अपने पार्टनर के साथ चलेंगे, वहाँ पर आपकी हर एक चीज़ की पूर्ति होगी। आपके पार्टनर, अभी कई लोगों के पार्टनर ऐसे हो सकते हैं जो कि इन अपॉर्चुनिटीज़ में बिज़ी हैं, और या वो बिज़ी थे पास्ट में, जिसकी वजह से वो अपने इस रिलेशनशिप पर उतना टाइम नहीं दे पाए, लेकिन अब आप लोग और आपके पार्टनर्स इस रिलेशनशिप पे टाइम देंगे। सो नेक्स्ट 48 आवर्स आप लोगों के लिए बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी तरीके से आपका रिलेशनशिप मेंड होगा, रिकनसाइल होगा। और जो लोग आपस में एक दूसरे के साथ रहते हैं लेकिन दूरियां हैं, दूरियां किस वजह से होती हैं, लोग एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते, ये जो टाइम है, ये जो नेक्स्ट 48 आवर्स हैं, इसमें डेफिनेटली आप एक दूसरे को वक्त देंगे और आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग होगा, डेफिनेटली ये रिलेशनशिप स्ट्रांग होगा। सो आप लोगों को आई होप ये रीडिंग पसंद आई हो। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको मेरे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं ऐसे कई टॉपिक्स के साथ
लगातार आपसे जुड़ती रहूँगी। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और अपना पर्सनलाइज सेशन मेरे साथ चाहते हैं तो आप ये बुकिंग करवा सकते हैं मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू। मेरा व्हाट्सएप नंबर और मेरी ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आई होप आपको इस कलेक्टिव रीडिंग का कंसेप्ट समझ आया हो। जब से आप इस रीडिंग को देखेंगे तब से ये रीडिंग आपके लिए वैलिड है फॉर नेक्स्ट 48 आवर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून।